हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फिरोनिया। तो आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर, जो कि एक हेल्दी डिश है एंड बहुत टेस्टी डिश रहेगा ये। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबे स्टाइल का पालक पनीर है, जो आप बहुत सिंपल तरीके से घर पे बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। सबसे पहले ये एक बंच पालक है, इसको अच्छे से वॉश करके साफ करके मैंने रखा है। और ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स पनीर है, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने क्यूब्स में काटे। ये दो प्याज है, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तीन टमाटर का पेस्ट है, प्योर है। खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, चक्री फूल जिसको स्टार एनिस बोलते हैं, दो इलायची और तेज पत्ता, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और ये गरम मसाला और ऑयल और जीरा, अरे चीज़, ये जो सूखी हुई लाल मिर्ची। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैंने पानी गरम करने रखा है। तो अभी मैं पालक को ब्लांच करूंगी। तो ब्लांचिंग का मतलब होता है कि गरम गरम पानी में, जब पानी बहुत ज़्यादा बॉईल करो, उसके अंदर पालक को या फिर कोई भी सब्जी को हम लोग अगर डुबो के एक मिनट तक बॉईल करते हैं, एक मिनट से ज़्यादा नहीं, तो उसको ब्लांचिंग बोलते हैं। तो वो करने से क्या होता है, उसका जो कलर है ना पालक का, जो ग्रीन कलर है, वो प्रॉपर ग्रीन कलर रिटेन रहेगा और थोड़ा सा आधा पक जाता है। इसलिए पूरा नहीं उबालने का, इसको सिर्फ ब्लांच करने का, आधा पकाने का। सो पानी ऑलमोस्ट गर्म हो गया, राम राम से ये तो मैं ब्लांच करूंगी। देखिए कितना ज्यादा पूरा बॉईल हो गया पानी, तुरंत डाल के इसको एक मिनट में निकाल लेना है। तो ये जैसे ये ब्लांच हो गया, देखना थोड़ा सा पक गया। अभी इस टाइम में मैं गैस बंद करके इसको आइस वाटर, एकदम ठंडा ठंडा पानी में इसके अंदर शिफ्ट करना है, नहीं तो फिर इसका कलर ग्रीन नहीं रहेगा। इसको तुरंत ठंडे पानी में शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। और जैसे ही शिफ्ट करेंगे, जैसे कूल डाउन हो जाएगा, इसका एक बिना पानी डाले प्यूरे बनाना है मिक्सर में, अच्छे से पेस्ट बनाने का। जरा सा भी पानी ना ऐड करो तो अच्छा रहेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको ऐसे प्यूरे बनाया, प्रॉपर प्यूरे। और देखना कितना प्यारा सा ग्रीन कलर भी इसका रिटेन किया हुआ है। तो अभी मैंने कढ़ाई गरम करने रखा है। जैसे कढ़ाई गरम हो जाएगी, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑलमोस्ट लाइक 2 टेबल स्पून तक ऑयल। ज्यादा इसमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं, जितना प्याज भुन जाता है, मसाला भुन जाता है, बस काफी है। जैसे ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं सारे खड़े मसाले ये वाले ऐड कर दूंगी। ऐड करके इसको थोड़ा सा जैसे फ्राई हो जाता है, इसके अंदर अभी जो बारीक बारीक चॉप किए वो प्याज डाल दूंगी। और अच्छे से इसको भून लेना, इसको पूरा ज्यादा इसको डार्क नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक इसको फ्राई कर लेना। देखिए हल्का हल्का जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो गया ये प्याज, बीच टाइम पर मैं ऑलमोस्ट ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दूँगी। फिर इसको अच्छे से पका लेना है, जब तक अदरक लहसुन का जो स्मेल होता है कच्चा वाला वो चला जाए, तब तक इसको अच्छे से पका लीजिए। लीजिए ऑलमोस्ट ये पक गया थोड़ा सा। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाले और हरी मिर्ची वगैरह, थोड़ा सा हल्दी, बहुत थोड़ा सा हल्दी, और ये तीखी वाली मिर्ची है तो मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी।
और थोड़ा सा नमक, फिर गरम मसाला, होममेड वाला गरम मसाला है ये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो होममेड वाला है, या फिर आप कोई भी मार्केट वाला भी गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे मसाला भून गया, टोमेटो प्यूरी इसके अंदर जाएगा, अगेन इसको प्रॉपरली एक कच्चा पर निकालने के लिए टोमेटो प्यूरी इसको पकाना है। जैसे ही ऑयल छूटने लगेगा आप समझ जाओ, ये हमेशा ट्रिक होती है, जैसे ऑयल छूटता है इसका मतलब होता है कि ये पक गया। कभी ऑयल नहीं छूटा तो 2 मिनट तक इसको पका लेती हूँ। और टमाटर का अगर कच्चा कच्चा टेस्ट रहेगा तो पूरा टेस्ट ही खराब हो जाएगा। हमेशा इसको अच्छे से पकाइए, ये मेन चीज है। लुक एट दिस कलर, ये तो थोड़ा थोड़ा छूट रहा है ऑयल, ये देखिए पक गया ये पूरा। इस टाइम पर ये जो पालक का प्योरे है उसको अच्छे से इसमें डालकर भून लेना है, थोड़ा सा डालकर फिर पानी डाल के इसमें मिक्स कर लीजिए। तो अभी जो मिक्सचर बचा था जो प्योरे, उसमें हल्का सा पानी डाल के इसके अंदर में डाल देते हैं और इसको स्लो फ्लेम में पहले एक 5 मिनट तक कुक कर लेना, स्लो फ्लेम में एक अच्छे से बॉयल आने में। तो जैसे ही ये ग्रेवी पक गई, एक जस्ट बॉयल आ गया, इसके बाद पनीर इसके अंदर लास्टली डाल देने का, आराम से डाल देना। ओके, और इसको आराम आराम से मिक्स करना है, अगर ज़्यादा फास्टली मिक्स करोगे पूरा टूट जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है, एकदम परफेक्ट जैसे ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल होता है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा घर पे। तो इसको आराम से मिक्स करके इस फाइनल सिचुएशन में मैं नमक वगैरह चेक कर लूँगी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नमक तो इसमें नमक ऐड करके देन स्लो फ्लेम पे ढक के ऑलमोस्ट एक 10 या 15 मिनट, 10 मिनट तक ओके रहेगा, तो 10 मिनट तक आप पका लीजिए। देखिए फाइनली ये कुक हो गया, ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी देखना कितना सही बना है। तो अभी मैंने गैस बंद कर दिया, तो अगर आपके पास तड़के वाला जो पैन होता है छोटा सा, अगर वो नहीं है, एक अच्छी सी ट्रिक है इसमें, जो कड़छी होती है उसको उसको गर्म करके ऑयल डालना है, स्लो फ्लेम पे करना है, बहुत इजी तरीका है। हल्का वाला तड़का दे रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर, जीरा और ये मिर्ची जो है सूखी वाली मिर्ची के टुकड़े करके इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेना है। ये बहुत इजी ट्रिक है, अगर घर के अंदर आप नहीं है कोई चीज़ क्विकली तड़का। जैसे ज़ीरा चटकने लगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च हल्की सी इसके अंदर डाल देना, जस्ट फॉर कलर नथिंग एल्स, इसे बहुत प्यारा कलर आएगा तड़के में। देखिए जलाना नहीं है, पूरा टेस्ट खराब हो गया, थोड़ा ध्यान से करना ये चीज़ें, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान से नहीं करते इसका टेस्ट का पूरा सारा ही टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए बन गया ऐसे, तो गैस बंद करके इसके ऊपर डाल देंगे, फिर इसको ढककर 1 मिनट तक मैं ढककर रखूंगा। तो 1 मिनट बाद इसको निकाल कर सर्व करके खा के मैं बताऊंगी कैसे। तो 1 मिनट हो गया, इसका सारा जो तड़के वाला टेस्ट है ग्रेवी में चला जाएगा, तो ये पालक पनीर को मैं सर्व कर लूंगी और बताऊंगी कैसे बनाए।
तो फाइनली बन के रेडी है हमारा पालक पनीर। सो इसका टेस्ट करके अभी बताऊंगी। थोड़ा सा ओके, क्या दिस कलर कितना प्यारा सा है। ओके टेस्ट इट। पनीर भी बहुत अच्छे से कुक हो गया इसमें। वाओ, यम, ऑसम। इसकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। आप ये अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। और एक चीज़, पालक एक ऐसी सब्जी है जो बहुत न्यूट्रिशियस है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इवन वेट लॉस के लिए भी है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो पालक पनीर आप ये क्या थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप वाला है, बट इजीली सिंपल वे में घर पे बनेगा बहुत कम मसालों से। तो ये भी चीज़ बनाओगे, कोई गेस्ट आएगा या ऐसे ही घर पे कभी कभार बनाओगे, इट्स बेस्ट। एंड पालक हमेशा खाना, चाहे वो दाल में आप डालकर खाओ, नॉर्मल उसकी सब्जी या फिर सैलड या कोई भी चीज़ में पालक बहुत अच्छा होता है। रेगुलर यूज में पालक रखिए, खून बढ़ाता है, इट्स वेरी 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 गुड फॉर हेल्थ। सो आप खाना। और यस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो जो नए हैं सारे मेरे चैनल कुकिंग विद विरोनिया को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाकी सब हमेशा जैसे इतना सारा लाइक करते हो, लाइक्स कीजिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊँ। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना। एंड हैप्पी रहना अपनी लाइफ में, और मेरी वीडियोस देखते रहना। मिलते हैं अगले प्यारे से, अच्छे से, टेस्टी और यमी यमी से रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।